हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि केवाईसी करने के बाद क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपको करने चाहिए। केवाईसी होने के बाद वो चीज़ ज़रूर कीजिएगा और अपने टीम को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले मेनू ऑप्शन पर क्लिक करना है, एरो में जो दिखा रहा है उसको जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि सबसे नीचे में दोस्तों माई सर्टिफिकेट का ऑप्शन है। जैसे आप केवाईसी कर लेंगे तो माई सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और माई सर्टिफिकेट के क्लिक करने के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिजिटल इंटरप्रेटर सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो दोस्तों जैसे डाउनलोड करते हैं, केवाईसी होने के बाद ये आपको तो तुरंत मिल जाएगा, है ना। डिजिटल इंटरप्रेटर सर्टिफिकेट जल्दी मिल जाता है, तुरंत मिलता है। तो ये आपको कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट है दोस्तों, बहुत खूबसूरत है। और बाकी सर्टिफिकेट लेने के लिए दोस्तों आपको प्रोसेस ऑफ ऑफलाइन ई केवाईसी सेकंड पे बीसीए सर्टिफिकेट क्लिक किया है, उसके बाद प्रोसेस इफ ऑफलाइन ई केवाईसी क्लिक किए या रिक्वेस्ट पर यस किए, देख सकते हैं रिक्वेस्ट सबमिट हो गया है। तो वैसे ही TDS पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे ऑफलाइन केवाईसी यस, उसका देख सकते हैं ये भी प्रोसेस में चला गया। और आईडी कार्ड को भी दोस्तों हम लोग डाउनलोड करेंगे, प्रोसेस ऑफलाइन ई केवाईसी यस करेंगे और ये भी दोस्तों प्रोसेस में चला जाएगा। तो आपने देखा कि ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जैसे ये हो जाएगा उसके बाद आपको दोस्तों पैन कार्ड वाले पे क्लिक करना है। तो आईडी कार्ड को भी प्रोसेस ऑफलाइन केवाईसी करके यस कर देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग ओके करके बैक होम पे आ जाएंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग पैन कार्ड PSA रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं PSA रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही हम लोग दोस्तों क्लिक किए तो यहाँ पे PSA रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्म खुलेगा, फॉर्म में अपना पूरा डिटेल्स डाल दीजिएगा। डिटेल्स डालने के बाद नीचे पे रजिस्टर पे क्लिक करिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है सक्सेसफुली आप रजिस्टर्ड हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों आपको 2 घंटे के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैसेज आपको दिखेगा कि 2 घंटे के बाद आपको आईडी मिल जाएगा। देख सकते हैं फाइनली आईडी आपको ऐसे शो करेगा। तो उसके बाद लॉगिन UTI अकाउंट करिएगा। थैंक यू दोस्तों। तो लॉगिन UTI पर क्लिक करिएगा, सेम यही आपका PSA आईडी आपका आईडी रहेगा और पासवर्ड रहेगा। तो इसी को क्लिक करके आप लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद आप क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन करके आप कंप्लीट कर सकते हैं अपना स्टेटस, जो रजिस्टर है रजिस्टर्ड दिखेगा फिर। अगर आपको कोई भी अगर डाउट है, अगर आपको जानना है और चीज़, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों कीमती समय देने के लिए।